हिंदी नहीं बोल पाते बट इंग्लिश बोलते हो और आप लोग सब जानते हैं, सो अपने बारे में कुछ योर फीलिंग्स एंड डिस्कशन कुछ भी कर सकते हैं। डेल्टा सर, हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर दिस विक्ट्री? आई रियली फील वेरी प्राउड दैट आई हैव डिड दिस फाइनली, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर दैट इवन फ्रॉम नॉर्थ, नूरबाई नोज दैट मींस, फ्रॉम द साउथ एवरीवन नोज दैट आई हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर दिस, सो एवरी टाइम इट केम वेरी क्लोज एंड इट वेंट ऑफ माई हैंड, सो आई डोंट नो वेयर इट वेंट रॉन्ग, सो आई वर्क इन समहाउ मैनेज टू टेक यू exaggerations from senior athletes and few more specialists, so worked on it, so this time yes, we got it. So like most of the youngsters these days are looking for speedy transformations, so like did you have the support from your family or it was all your hard work? Like do you want to put some light so that youngster can groom in a way which will be helpful for them? So obviously you can't depend everything on your family, like the way, the money, everything. Even in my situation, my wife helped me very much. We've been married since like 4 years. Still, we didn't plan for a baby. That is the main sacrifice that she did. Wow. And almost my family also helped me a lot. Not a lot in the sense, not financially, but. So, very short time is achievement. Very short. बहुत छोटे समय में इतना बड़ा achievement. अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि डेल्टा का कहना है कि family का support होना बहुत जरूरी है. अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं रहेगा ना आपको, तो आप कोई भी अचीवमेंट पहली बार तो अचीव नहीं हो पाता है, बिकॉज फैमिली ये नहीं कि बस खाली पैसा ही चाहिए, आपको फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. पैसे से आप बॉडी बिल्डिंग का आप इक्विपमेंट्स ले सकते हो, आप प्रोडक्ट ले सकते हो, मगर फैमिली की जो आपके पति जो देखते हैं ना, देखने का नज़रिया तक आपको उसको उठा देता है. तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. जैसे बहुत से लोग कि सर मैं आपके पास आगे कर लूँ, बट वो अपना घर छोड़ते हाउस होना चाहता है, आई मेरे पास आगे करना चाहता, तो क्या बोलता हूँ मैं उसको, बोलता हूँ फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. वहाँ पे रह के बैकअप कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे आपकी फैमिली, आपका डैड एंड जैसे कि डेल्टा भाई की वाइफ, सो वेरी सपोर्टिव, बहुत बड़ा रोल है लगभग, मतलब हैट्स ऑफ भाभी जी. सो क्योंकि बिकॉज इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा जो सर्वाइव इस गेम के अंदर, बिकॉज आप नहीं खाते हो वो भी नहीं खाते, बहुत बार ऐसा होता है आप पानी छोड़ देते हो, पानी सो वो भी कई बार पानी छोड़ देते होंगे, नहीं पीते होंगे, मदर भी ऐसी करती है. भाई मैंने बहुत सारे लोगों की स्टोरीज देखी है कि इतना तो सेक्रीफाइस करते हैं, सो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. और 6 साल 2016 में डेल्टा दिलीप ने एक कॉम्पिटिशन खेला था, I started in 2016. So my first try was like I tried in 2019 in Amazon India. So where I didn't play. You were start from Amazon. Yeah, 2019 I started Amazon the first time. Oh, okay, that's your first time. 2019 was first time. First competition. First competition 2016 in local district. Local district. So you are start from local district. Not even from. Then 2017. 2017 then I got placed in some national. Nationals. So overall, 2017 is track on. Yes. 2017 is track on for professional bodybuilding and fitness medicine. So amazing. देखिए genetic का मतलब ये नहीं कि आपको अच्छा genetic है आपको जीतने का, उसको work करना है. Every time saying good genetic, does not matter good genetic का आपने कितना अच्छा work करा है, उसको कितने अच्छे से आप उसको तराश के stage पे लाया, your presentations, your conditioning, डिसिप्लिन, उस सब इस प्रैक्टिस. सो मैं रिकमेंड करता हूँ ये मेरे 4P बॉडी बिल्डिंग के लिए, टी फॉर पैसा मनी, टी फॉर पेशेंस, टी फॉर पावर एंड टी फॉर प्रैक्टिस. सो इज इक्वल टू परफेक्ट फिजिक. वो दैट वाज गुड. परफेक्ट फिजिक. सो पी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो पी फॉर प्रो कार्ड. या दैट्स इंपॉर्टेंट. पी फॉर प्रो कार्ड इज द लास्ट फॉर अमेच्योर बॉडी बिल्डर फॉर लास्ट. इसके बाद में जो होता है, इसके बाद जो होता है वो तो जो होता है तो होता है, बट मेरे को बहुत उम्मीद है कि आप अपना फर्स्ट प्रो जब भी खेलेंगे उसके अंदर ही, और इंडिया से, देखो मैं कोई खुदाई दावा तो नहीं कर सकता,
हो सकता है कि आने वाले समय में 1 ईयर 2 ईयर्स बेहतर भी आपको ओलंपिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडिया को ओलंपिया इंशाल्लाह और सभी लोग उनके लिए बहुत दुआएं करेंगे बहुत ब्लेसिंग करेंगे उनके इंस्टाग्राम हैंडल भी मैं डालूंगा और उस पर भी सभी लोग उनको खूब सारा प्यार देंगे बहुत सारा और इनके लिए इतनी ब्लेसिंग करो भाई इतनी ब्लेसिंग करो क्योंकि ये बंदा भाई डिजर्व करता है ठीक है और यार देखो ये जीत लिया है आज भी जिम में यहाँ पे इस कार्ड को जीतने के लिए बहुत ज़्यादा सो गाइस ऐसी प्यार और सपोर्ट बना के रखो आज मैं टिप्स नहीं आज मैं लास्ट क्वेश्चन आई हैव फॉर यू एज यू सेड दैट इन 2016 यू स्टार्टेड अ लोकल डिस्ट्रिक्ट मतलब पार्टिसिपेटिंग इन लोकल डिस्ट्रिक्ट सो व्हेन यू हैड दिस लूजिंग स्ट्रीक आप 2-3 बार हारे सो डिड इट इम्पैक्ट योर बॉडी लाइक हाउ डिड यू मैनेज विद दैट स्ट्रेस एंड कोप अप टू कीप ऑन फाइटिंग एंड कीप ऑन कमिंग अप I thought of what the guys are doing to win. So I like had a word with my coach like, what is the difference between me and the guy who took the first? So he said like consistency is the matter. So you can't win in your first show, right? So consistency is the main key here. So if you keep on doing for a thing, definitely someday you're gonna achieve it because you're working hard for it. So, aap apna ये मत देखो कि मैं हार कैसे गया वो कैसे जीता है वो बंदा दूसरा जो है वो कैसे जीत गया समझे उसमें क्या क्वालिटीज थी जो उसके हम नहीं ला पा रहे अगली बार ट्राई करो नेक्स्ट टाइम ट्राई फेल एंड ट्राई और जब आप जीतते हो तो इस तरह से नो इंट्रोडक्शन नीडेड तो जब जीतते हो तो आप इस तरीके से जीतते हो और एवरी टाइम हर चैंपियन ऐसे होता है देखो दो कार्ड डिजर्व मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ मैं जज को गलत नहीं बोल रहा हूँ कभी कॉन्ट्रोवर्सी मत बनाना उसको आई लव पर्सन सो मेरा जो ओपिनियन है कि लास्ट टाइम भी चैंपियन हो सकते थे बट ठीक है जज इज चूजिंग फॉर अदर पर्सन बट दिस टाइम कम्प्लीटली वन साइड सो ये गेम होता है आप जितना हारते हो ना उतना मेच्योर बनते हो और मेच्योरिटी जब पूरा खेल के अपना आती है स्टेज पे फिर उसे नहीं हरा पाते और बिकॉज आपकी ये लास्ट हार जो होती है जो एक दो हार होती है अभी जब आप प्रो खेलने जा रहे हो जब आप प्रो कार्ड खेलने जा रहे हो सो आपको उसका एक्सपीरियंस बहुत